लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हैप्पी बर्थडे को। थैंक यू सो मच। इस घर में किसी को बियर नहीं मिलने वाली है। हैप्पी बर्थडे। हे बेब, इट्स मी। हैप्पी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हियर, दिस इज फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। फॉर मी? नो 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 नो। चॉकलेट्स फॉर द बर्थडे गर्ल, गजरा फॉर मी। कम। Hey guys, look who's here. Hey man, hi. How are you? Oh. Hey and hello. How are you, honey? तो मैं जरा टेरेस पे जा रही हूँ खुली हवा। Sure. किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना। Don't worry, Amu, we're fine. अच्छा, तो लोगों से बचने के लिए यहाँ चली आई आप? जी, शायद नाकाम रही। शायद आपको मालूम होगा कि आपको ढूंढता हुआ मैं यहाँ पहुंच ही जाऊंगा, इसलिए आप यहाँ चली आई। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। बंबई आपकी आवाज में गा रही है। अच्छा, जो गाना हमने रिकॉर्ड किया आपको कैसा लगा? अलग था, हटके। मैं सुरों को खुला छोड़ देता हूं, उन्हें डिसिप्लिन नहीं करता। पिंजरे के किवाड़ खोलो, उन्हें ऊंचा उड़ने दो। गाने को सांस लेनी होती है, अपना ताल खुद ढूंढना पड़ता है। जी, एनीवे, बड़े ऊटपटांग सिद्धांत है मेरे, और इसीलिए शायद आपको मेरे गाने भी ऊट पटांग लगते हैं। कभी कभी मुश्किल होता है राय बनाना किसी शिल्प या चित्र या कविता के बारे में। और लोगों के बारे में? कभी कभी। मेरे बारे में कोई राय? कुछ कंफ्यूजन शायद, लेकिन मुझे आपके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं बंसी। मैं आपको चाहता हूं, बहुत चाहता हूं, बल्कि आपसे प्यार करता हूं। आप बंसी की कल्पना से प्यार करते हैं, उसकी शोहरत, उसका संगीत। तो क्या गलत करता हूं? आप और आपका संगीत अलग तो नहीं है, और मैं तो आपके पूरे रूप से प्रभावित हूं। क्या हुआ? मैं तो सोच रही थी कि आप और कुहू एक दूसरे को चाहते हैं। कुहू? कुहू तो अभी बच्ची है। आज 21 बरस की हो गई है कुहू, आपसे शायद 8-9 साल छोटी, और मैं आपसे 9-10 साल बड़ी हूं। मतलब ये कि आप उसकी जेनरेशन के ज्यादा करीब हैं। भाई, ये हिसाब किताब का क्या मामला है? हाँ, माफ कीजिए, आप कलाकार होते हुए भी किसी बनिए की तरह सोचती हैं। पंसी, आपको चाहना मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। मैं हर हाल में आपको चाहता, चाहे आप 80 साल की कोई बुढ़िया होती, या कोई औरत नहीं मर्द होती, या कोई बिल्ली होती, या कोई छाता वाता होती, मैं तब भी आपको चाहता। सच? बिल्कुल पागल हो तुम। आई एम सीरियस, मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? हाँ, क्या मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपके लिए मरना चाहता हूं? लेकिन सच तो यह है
कि मैं आपके लिए जीना चाहता हूं। ईमान देसाई, बहुत ही दिलचस्प आदमी लगता है। हाँ, लाखों में एक था ईमान। बहुत खूबसूरत वक्त गुजारा हमने एक दूसरे के साथ। मन ही मन में जानती थी कि ये साथ नहीं निभेगा। बहुत देर तक मैंने अपने आप को रोके रखा, लेकिन आखिर में उसकी जिंदा दिली, उसका चार्म और उसका अनोखा संगीत, कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। किंग हेनरी दी एट का नाम सुना होगा? ये उनकी कॉम्पोजिशन है। अलास माय लव यू डू मी रॉन्ग। लेकिन क्या आप जानती हैं कि हमारे राग प्रदीप की तरह है? रियली? यस। इनफैक्ट ये जो कुहू के लिए कॉम्पोजिशन लिख रहा हूँ ना, ये भी राग प्रदीप में ही है। कितनी खुशनसीब लड़की है कुहू। Well, ये तो गा के पता चलेगा। What do you think? अरे ये चश्मा कब से पहनने लगे हो? ये एक आध दिन हुए। क्या नंबर है? अरे इसमें तो कोई नंबर है ही नहीं, मेरा कांच है। अचानक ये क्या शौक सवार हुआ जनाब को? ऐसे ही बस। और लगता है शायद मूछे भी बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे तो क्या हुआ? Give me that. समझ गई, जनाब मैच्योरिटी की तलाश में हैं। जी हाँ, मूछे बढ़ा के बुजुर्ग बनोगे। और तुम ये शलवार कमीज पहली बार पहनी है शायद। क्या ये मेरे लिए नहीं है? बोलो। तुम सच कह रहे हो हिमान, हम कुदरत को मात देने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। सच कहूं तो मैंने अपने मूड के मुताबिक कपड़े पहने। मैं एक बार फिर से स्कूल गर्ल बन गई हूं, 16 साल की। अगर आप 16 साल की बन गई हैं तो फिर हमें तो कुछ साल रुकना पड़ेगा जनाब। क्यों? इसलिए कि मैं शादी का प्रस्ताव रखने वाला था। बंसी, मेरी तीसरी ख्वाहिश पूरी करो, मुझसे शादी करो। ईमान, इतना कम जानती हूं मैं तुम्हारे बारे में। एक तूफान की तरह सात समंदर पार से आते और जैसे मेरी सारी जिंदगी पर कब्जा कर लेना चाहते। नहीं बंसी, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे हाथ सौंपना चाहता हूं। और क्या जानना चाहोगी मेरे बारे में? कौन है तुम्हारे लोग, तुम्हारा परिवार? मेरा कोई परिवार नहीं, सिवाय मेरे म्यूजिशियंस के, वही मेरे सगे हैं। मतलब? मैं एक मिशन में बड़ा हुआ, एक घर से दूसरे घर, वहां से तीसरे घर भेजा गया। छोटी सी उम्र में काफी दुनिया देखी है मैंने। ये संगीत, यह हंसी मजाक, ये तो हथियार मैंने अपनाए। जिंदगी भर मुझे एक ही चीज की तलाश रही, अपनेपन की। फिर मैंने तुम्हें देखा, इंग्लैंड के एक एशियन चैनल पर तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा था। उसी वक्त मैं जान गया कि मेरी तलाश खत्म हो चुकी है। बंसी प्लीज मुझसे शादी करो। अगर ना की तो यकीन मानो मैं आपकी खिड़की के नीचे खड़ा होकर ना जितने दिल टूटने पर फिल्मी गाने बने हैं एक एक करके गाता चला जाऊंगा जब तक आप मानोगी नहीं। हाँ, अरे हाँ, जब दिल ही टूट गया। बिल्कुल पागल हो तुम। क्यों पागल? इतना सब आसान नहीं है हिमान। मेरी एक बेटी है कुहू, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कुहू की तुम फिक्र मत करो भाई, कुहू मुझे बहुत चाहती है, वो बहुत खुश होगी मुझे यकीन है। एक छोटा सा परिवार होगा हमारा, संगीतमय परिवार। आज ही उससे बात करें? नहीं। क्यों? मैं बात करूंगी उससे अपने तरीके से। ला
बस कर, मत खा और। हैं? झूठे हाथ मत लगा इधर उधर। ठहर, मैं बताती हूँ अमू को कि शिव मासी मारती है। हाँ, और मैं भी बताती हूँ कि कोई चोरी करती है। अमू को फालतू बातों के लिए वक्त कहाँ है आजकल? हाँ, सुबह शाम रिकॉर्डिंग, रिहर्सल। और हिमान क्या कह रही है? लगता है अम्मू हिमान के साथ मेरा रिश्ता पक्का करने के चक्कर में है। तुम्हें कैसे मालूम? दोनों की गहरी बातें हो रही होती है, लेकिन मैं जब पहुंचती हूँ तो दोनों चुप हो जाते हैं। तो क्या हिमान तुम्हें अच्छा लगता है? ठीक है। सच सच बता। सच बताऊं शिव मासी, उसे भी मैं अच्छी लगती हूँ, लेकिन वो मन की बात कह नहीं पाता। उसकी मदद कैसे की जाए? अम्मू! अरे क्या हुआ? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, मुझे भी। कोई फोन आए तो कह देना नहीं है। अच्छा। और सिल्वी आएगी मेरे बाल बनाने, मुझे बुलाना। क्या है पागल लड़की? The bells are ringing, पंछी गा रहे हैं और साउंड ट्रैक पर तुम्हारा गाना है, पहला पहला प्यार। ओ, मेरा बच्चा मुझे अपना राज बता रहा है। शायद और माओं को ये नसीब नहीं होता। तुम सिर्फ माँ ही नहीं हो अम्मू, दोस्त भी हो। अच्छा तो यार बता ही दो। जैसे कि तुम जानती ही नहीं हो अम्मू। ईमान, आज शाम बुलाया है मुझे ईमान ने, कोई खास बात है। साउंडेड मिस्टीरियस। खैर, उससे मिलने से पहले मैं तुम्हें बताना चाह रही थी, वो सिल्वी होगी। हाय। वाओ, अच्छी लग रही हो यार। तो इसमें हैरानगी की क्या बात है? भाई देखो, हमेशा तो तुम टॉम बॉय बनी हुई फिरती हो, लेकिन आज नूर जहां लग रही हो। वाह वाह, मैं आए? सर्टनली, प्लीज कम इन। माँ से मुलाकात हुई यहाँ आने से पहले? जी, तुम्हें कैसे मालूम? यूं ही अंदाजा लगाया। कैसा रहा? इट वॉज शॉर्ट एंड स्वीट। हम दोनों की कमाल की अंडरस्टैंडिंग है आपस में। बहुत अच्छा, तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? एतराज? अजीब सवाल पूछते हो। क्यों? मेरे जज्बात तो शायद तुम जानते हो। एग्जैक्टली, मैंने बंसी से यही कहा था, कुहू मुझे चाहती है। है, अमू को मैंने खुद बता दिया। अरे ग्रेट यार, कमाल की लड़की हो तुम। तुम नहीं जानती है मेरे लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है। इसी उपलक्ष में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। हाँ, क्या है? अंदाजा लगाओ। रिंग? रिंग? नो यार, उससे भी अच्छा कुछ गाना है। ये ऐसा वैसा गाना नहीं है कुहू, ये मैंने खास राग प्रदीप में बनाया है। सुनाता हूं। हाँ सुनो। ये गाना तुम गाओगी। गाओगी ना? ईमान देसाई के लिए बंसी वृंदावन गाती हैं। मेरी मजाल की मैं मना कर दूं? क्या बात है कुहू, मैं समझा तुम खुश होगी। मैं बहुत ही खुश हूं हिमान। सो लेट्स ट्राई इट यार। नहीं, अभी मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है कुहू, ये अभी तुम्हारे लिए शुरुआत है, अभी से सब मूड उड़ मत पालो। क्यों, क्या अनजान कलाकार के जज्बात नहीं होते? मैं कोई पालतू बंदरिया नहीं हूं
कि तुम इशारा करो और मैं नाचने लगूं। ये तुम्हें हो क्या गया है कुहू? इस टोन में ना बात करो मुझसे। तुम्हारा म्यूजिक डायरेक्टर हूं भाई, और तो और तुम्हारा होने वाला पिता। या? क्या कहा? बेबी तुम्हें तो मालूम है, तुम्हारी बात हुई थी। इस हादसे के बाद कुहू का एटीट्यूड क्या रहा आपकी तरफ? उसने क्या कुछ कहा? नहीं, कुहू ने कभी कुछ नहीं कहा, पर वो जब भी मेरी तरफ देखती, शायद समझ पाने की कोशिश में, उसकी आंखों का दर्द मुझे चीर रहा होता। तुम खुश नसीब हो, नाना ने तुम्हें संगीत सिखाया बचपन में। मेरे लिए तुम्हारे पास कभी समय नहीं था। तुम्हारा अपना रियाज, रिहर्सल्स, रिकॉर्डिंग्स और तुम्हारे इश्क भी। ये ज्यादती है कुहू, मैंने हमेशा तुम्हें सबसे ज्यादा अहमियत दी। मैंने कसम खाई थी कि मेरी गुड़िया को कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो, जो भी वो चाहे उसे मिलता चला जाए। कुहू को दुख देकर हिमान के साथ मेरा रिश्ता बना रहे, ये मुमकिन नहीं था। सब लगता है एक्सीडेंट हो गया है। नरेन गाड़ी रोको। एक्सक्यूज मैडम, मैडम ऑटोग्राफ प्लीज। ये शांत हो जाइए, रिलैक्स रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। अमोका गुड मॉर्निंग। देखो सॉरी टू टॉक शॉप सो अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन एक पेशेंट है और मैं चाहता हूं कि ये केस तुम ले लो। इट्स नॉट अ ही, इट्स अ शी। हाँ ट्रीटमेंट जारी है और वो रिस्पॉन्ड भी कर रही है, लेकिन इस स्टेज पे मुझे लगता है कि अगर ये केस कोई और हैंडल करे तो बेहतर होगा। ऑब्वियसली तुम्हें सब बता दूंगा। मुखो आई वॉन्ट द वेरी बेस्ट फॉर हर। थैंक्स मुखो, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। ओके ओके, कम कम सिकंदर साहब, डॉक्टर समद का घर यही है।
हाँ मैं ही हूँ। बंसी मेम साहब चिट्ठी भेजी है। ओके सर। थैंक यू। बहुत दिनों से टूर पर परदेश जाने के लिए कुहू जिद कर रही थी। हमारे सेशन चल रहे थे इसलिए मैं मना करती रही, लेकिन अब सोचती हूँ शायद थोड़ा चेंज अच्छा रहेगा। आप इजाजत दें तभी जाऊंगी। देख रहे हो अमू? हाँ ये तो पाइप्स हैं। एक ले ले। पाइप? लेकिन ओ ओके। आज की शाम तुम्हारे नाम है कुहू। बहुत अच्छा गाना। अरे पलक, मेक अ विश, पूरी होगी। मेरी विश तो तुम ही पूरी कर सकती हो अमू। कुहू? हाँ कुहू, आर यू रेडी? गुड लक। बंसी जी, बंसी जी, बंबई से फैक्स आया है, कुहू को अवार्ड मिला है। क्या? संगीत क्षितिज पर उभरता सितारा कुहू वृंदावन इस साल की नवोदित गायिका। आपके प्यार भरे स्वागत के लिए लाख लाख शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आज की संगीत रजनी की शुरुआत करूं, मैं अपनी माँ को बंसी वृंदावन को यहाँ आने की दरख्वास्त करती हूँ मुझे आशीर्वाद देने के लिए। प्यारे सेशलवासियों, वृंदावन परिवार का नाम संगीत से जुड़ा है। आज मैं बोल के नहीं बल्कि गा के कुहू वृंदावन को आशीर्वाद और साथ में अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। एक तूफानी रात को यही गाना मेरे पिताजी ने गाया था। ये, 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 साहब, कुरियर, आपके लिए एक पैकेज है। मेरे लिए? बाहर देश से है। एक खुशखबरी, कल मैंने 1,500 लोगों के सामने गाना गाया। सबूत भेज रही हूं औरंगजेब के लिए। AI-887 अब मस्कट और अबू धाबी जाने के लिए तैयार है। यात्रियों से ये अंतिम निवेदन है कि वे अपने विमान की ऑटोग्राफ प्लीज 6 से तुरंत प्रस्थान करें।
आप यहाँ? What a surprise! मुझसे रहा नहीं गया। मैं दरअसल आपको मुबारकबाद देने आया हूँ और साथ में अपना इस्तीफा भी ले आया हूँ। अब आपको साइकियाट्रिस्ट की कोई जरूरत नहीं। यानी आप विदा लेने आए हैं? जी नहीं, बल्कि मैं तो आपसे पहचान करने की उम्मीद लेकर आया हूँ। पहचान? ये आप कह रहे हैं? अब और क्या रह गया जानने के लिए? देखिए, मैं आपको एक पेशेंट की हैसियत से जानता था, लेकिन अब वो फाइल बंद हो चुकी है। अब मैं आपको जानना चाहूंगा एक दोस्त के नाते। क्या मैं अपने नए दोस्त का नाम जान सकती हूँ? रंजीत, रंजीत समर्थ। अच्छा नाम है।